के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें बापू या महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वस्तुतः गांधी जी विश्व भर में उनके अहिंसात्मक आंदोलन के लिए जाने जाते और यह दिवस उनके प्रति वैश्विक स्तर पर सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। इसे आज भी वही भावना के साथ मनाया जाता है। रविवार को भी नागपुर शहर में विविध सामाजिक संस्था एवं राजनीतिक पक्षों की ओर से गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई गई। इनमें भारतीय जनता पार्टी और लायंस क्लब शामिल है। भाजपा की ओर से शहर अध्यक्ष प्रवीण दटकी की उपस्थिति में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। विचारांना याद नाही, ज्या माणसांनी अहिंसेच्या मार्गाने, सत्याच्या मार्गाने, स्वदेशीच्या मार्गाने या देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याचा जो काही सिंहाचा वाटा त्यांचा होता, ज्यांनी मार्ग दाखवला आणि ज्या मार्गावर हा भारत आज इथपर्यंत आला आहे, तो मार्ग सगळ्यांनी आपल्या जीवनात आपल्यात अंगीकारला पाहिजे, याचकरता ही जयंती केली पाहिजे। आज महात्मा गांधींची, राष्ट्रपित्याची, लालबहादूर शास्त्रींची दोघांची पण जयंती आहे। त्यामुळे या जयंतीच्या सर्व नागपूरच्या नागरिकांना मी शुभेच्छा देतो आणि या दोघांनी पण जो मार्ग दाखवला, एकानी सत्तेचा, अहिंसेचा, एकानी स्वदेशीचा, एकानी जय जीवन, जय जवान, जय किसानचा, या सगळ्यांचं एकत्रित करून आपण आज आपलं मार्ग निवडला पाहिजे। आमचे लाडके पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी असतील, त्यांच्या माध्यमातून स्वच्छता अभियान असेल, वोकल फॉर लोकल असेल, स्वदेशी असेल, मेक इन इंडिया असेल, हा महात्मा गांधींनी दाखवलेलाच राष्ट्र आहे। त्यामुळे महापुरुष कधीच कोणाचे नसतात, ते सर्वांचे असतात, म्हणून त्यांची जयंती सर्वांनी मिळून केली पाहिजे, हाच त्यांचा मागचा मार्ग आहे आणि आम्ही तेच करतो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और इस जयंती के अवसर पर हम सब लोग उनको अभिनंदन करने, वंदन करने, उनका सम्मान करने, माल्यार्पण करने के लिए नागपुर शहर के ऐतिहासिक वैरायटी चौक पर हम सभी लायंस क्लब ऑफ नागपुर, इसके साथ हमारे DG, हमारे PDG, हमारे सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट के तमाम क्लब्स यहाँ पर आए हैं और ये हमारे यहाँ पर उनके लिए मानवंदना है। राष्ट्रपिता के बताए हुए सिद्धांतों पर, मार्गों पर हमने चलना चाहिए। अहिंसा आज विश्व की आवश्यकता है। एक तरफ जहाँ युद्ध हो रहा है, वहाँ यदि महात्मा गांधी जी का दिया हुआ संदेश अगर सारे राष्ट्र मानने लगे तो मुझे लगता है कि युद्ध की स्थिति नहीं होगी और मानवता का विनाश जो चल रहा है वो विनाश नहीं होगा। हमने ग्राम व्यवस्था की तरफ ध्यान देना चाहिए। ग्राम व्यवस्था अगर मजबूत होती है तो हम ये निश्चित कह सकते हैं कि भारत का आत्मनिर्भरता का नारा यह सफल होगा। विश्व में गुरु अगर बनना है तो ग्राम व्यवस्था की तरफ, स्वच्छता की तरफ, अपनेपन पर ध्यान देना पड़ेगा। कायदे नियम का पालन करना, ये जो गांधी जी ने सिखाया था वो सिद्धांत के ऊपर चलना चाहिए। सारे पंथ, धर्म, संप्रदाय, पूजा पद्धति, इससे परे जाकर पहले मनुष्य, इस बात को हमने ध्यान में रखना चाहिए। ये जो गांधी जी का संदेश है, ये संदेश हम सब लोगों ने मानना चाहिए। वैसे ही आज अपने भारत के दूसरे पंथ प्रधान स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म जयंती दिवस है। लॉयंस क्लब ऑफ नागपुर, अब यहाँ से हम सभी सदस्य लक्ष्मी भवन चौक पर जो स्थित उनकी प्रतिमा है, उस प्रतिमा का वंदन करने, अभिनंदन करने, उन्हें माल्यार्पण करने कर रहे हैं, जिन्होंने इस देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया, एक विपरीत समय में भारत को संबल दिया और युद्ध के परिस्थिति में भी उन्होंने इस देश का इतना आह्वान किया कि उनके एक आह्वान पर, तब तो वीडियो नहीं थे, कहीं मोबाइल्स नहीं थे, रेडियो के एक संदेश पर महिलाओं ने अपने गले का सुहाग यानी मंगलसूत्र तक देश की सुरक्षा के लिए उन्हें दान दिया, भेंट किया। ये ऐसा पंतप्रधान विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा जिसके ऊपर इतना भरोसा उस समय देश की जनता को था। महिलाओं ने सोना देकर इस देश को सजारा संवारा है। उन व्यक्तिमत्व के चरणों में हम लायंस क्लब के सभी सदस्य अपनी वंदना यहाँ व्यक्त करते हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN News, नागपुर।